तो दोस्तों दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत इकोनॉमिकल पावर, दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल आर्मी और दुनिया का सबसे ताकतवर देश, इन सब चीजों को हम जैसे सुनते हैं हमारे मन में सबसे पहले जिस देश का नाम आता है वो है अमेरिका। पर दोस्तों क्या अमेरिका यानी कि USA शुरू से इतना पावरफुल देश था? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। यस गाइस, अमेरिका अपने इतिहास में एक ऐसे खराब सिचुएशन से गुजर चुका है जिस सिचुएशन से हम भी गुजरे हैं। यानी अमेरिका भी एक समय ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि अंग्रेजों का गुलाम था और आज के समय अमेरिका ब्रिटिश से कई ज्यादा गुना पावरफुल देश बन चुका है। तो दोस्तों चलिए आज हम अमेरिका के इतिहास के कुछ पुराने पन्ने को पलटते हैं और देखते हैं कि अमेरिका इतना पावरफुल देश कैसे बना। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 1492 में, जब कोलंबस भारत को खोजने के लिए जलमार्ग के रास्ते से जा रहे थे तो वो भारत समझकर गलती से किसी दूसरी जगह उतर गए थे और वो जिस जगह को भारत समझ रहे थे हकीकत में वो जगह अमेरिका था और इसी कारण से 1942 से अमेरिका अस्तित्व में आया। और अमेरिका के बारे में पता चलते ही यूरोप के देशों की काली नज़र अमेरिका में पड़ चुकी थी और वो जल्द से जल्द अमेरिका को अपना गुलाम बनाना चाहते थे। और धीरे धीरे ब्रिटेन ने अमेरिका को अपना गुलाम बना लिया और उसकी इकोनॉमिक और सत्ता सब पर अपना कब्जा हासिल कर लिया। लेकिन ब्रिटेन अमेरिका की शक्ति के सामने ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया और लंबे संघर्ष के बाद 4 जुलाई 1776 में अमेरिका को इंग्लैंड से आज़ादी मिली और जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट बनाया गया। और जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिका की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। लेकिन दोस्तों सिर्फ ब्रिटिश सरकार से आज़ादी के कारण ही अमेरिका दुनिया का इतना पावरफुल देश नहीं बना। ये तो छोटा सा ट्रेलर था। अमेरिका का दुनिया का पावरफुल देश बनने की असली कहानी तो 1914 से स्टार्ट होती है, यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूरोप की कंट्री को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिसमें ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश शामिल थे। और वर्ल्ड वॉर से पहले यूरोप ही पूरी दुनिया को फैक्ट्री के द्वारा अपना सारा सामान ट्रांसपोर्ट करता था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण यूरोप के सारे उद्योग तबाह हो चुके थे और यूरोप की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी और पूरे यूरोप में भुखमरी का आतंक छा गया था। और इसी बीच अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ, जिस कारण से अमेरिका को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और अमेरिका की फैक्ट्री को भी कुछ ज़्यादा खास नुकसान नहीं हुआ। और इसी कारण से अचानक से ऑलमोस्ट पूरी दुनिया अमेरिका पर निर्भर हो गई और जो कंट्री पहले यूरोप से अपना सारा सामान इंपोर्ट करती थी वो सारी कंट्री अब अपना सारा सामान अमेरिका से इंपोर्ट करने लगी। और यूरोप जो पहले पूरी दुनिया को अपना सारा सामान ट्रांसपोर्ट करता था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि अब वो अमेरिका से कर्ज मांग कर अपना गुजारा चला रहा था। और दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने अमेरिका को इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया था और अमेरिका में फैक्ट्री भी पहले के मुकाबले कई ज़्यादा हो गए थे। और दोस्तों अमेरिका की किस्मत ने एक बार फिर से अमेरिका का साथ दिया और 1939 में फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और एक बार फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था और फैक्ट्री को ख़त्म कर दिया था। और जो फैक्ट्री फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से इफेक्ट हुए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण उन सब फैक्ट्री को और भी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा और ऑलमोस्ट पूरा यूरोप तबाह हो गया था। पर इन सब चीज़ों का पूरा फायदा अमेरिका को हुआ। एक बार फिर से अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपना व्यापार फैलाना शुरू कर दिया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण अमेरिका को अच्छे से पता था कि वर्ल्ड वॉर के टाइम किन किन सामानों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, इसलिए उसने बंदूक और हथियार जैसे चीज़ों को भी भारी मात्रा में बनाया, जिस कारण वर्ल्ड वॉर में शामिल देशों ने भारी मात्रा में अमेरिका से हथियार को इम्पोर्ट किया, जिस कारण से अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 4 चांद लग गए। दोस्तों बेशक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका को कुछ ज़्यादा खास नुकसान नहीं हुआ और जितना हो सका अमेरिका वर्ल्ड वॉर से दूर ही रहा, लेकिन फिर भी हम अमेरिका को दूध का दूल्हा नहीं कह सकते, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहरों पर परमाणु बम से हमला भी किया था। लेकिन ऑल ओवर अमेरिका को दोनों वर्ल्ड वॉर से कुछ ज़्यादा खास नुकसान नहीं हुआ था। और दोस्तों दोनों वर्ल्ड वॉर से सीख लेकर अमेरिका इस बात को समझ चुका था कि अपने देश को बचाने के लिए आर्मी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए अमेरिका ने अपनी आर्मी को पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्मी बनाया और परमाणु बम जैसे बड़े बड़े हथियार भी बनाया, जिस कारण से कोई भी कंट्री अमेरिका पर हमला करने से पहले 100 बार सोचती है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं भी बनाई गई जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाई जा सके और वर्ल्ड वॉर से इफेक्टेड हुई कंट्री को दोबारा से उसके पैरों पर खड़ा कर सके। और जिस समय इन सब जैसी संस्थाओं को बनाया गया था उस समय पूरी दुनिया की करेंसी स्टेबल नहीं थी और ना ही इतनी ज़्यादा चलन में थी, और उस समय सिर्फ अमेरिका की करेंसी ही स्टेबल थी और बहुत ज़्यादा लेन देन भी अमेरिकी डॉलर में होता था। और इन सब सारी सिचुएशन को देखते हुए अमेरिकी करेंसी डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी बनाया गया और इसके बाद पूरी दुनिया में अमेरिकी डॉलर में लेन देन होना स्टार्ट हो गया और अमेरिका की छवि पूरी दुनिया में और भी ज़्यादा बढ़ गई। इसी बीच अमेरिका ने चालाकी भी बहुत ज़्यादा की। उसे ये बात पता था कि
जहां अच्छी वैल्यू और बेटर लाइफस्टाइल मिलेगा लोग वहीं सेटल होंगे। इसलिए अमेरिका ने दुनिया की सबसे ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल अपनी कंट्री में प्रोवाइड करवाया। इसलिए अच्छी लाइफस्टाइल को देखते हुए बड़े बड़े लोग जैसे भारत से गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और दूसरी कंट्री के लोग जैसे एलन मस्क, ये सब बड़े बड़े लोग अमेरिका में जाकर सेटल हो गए और इन लोगों ने अमेरिका को टेक्निकली और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर दिया। तो दोस्तों, इन्हीं सब कारणों से अमेरिका दुनिया का इतना पावरफुल देश है, जिसमें शामिल थे पहला वर्ल्ड वॉर, दूसरा ट्रांसपोर्ट अचानक से बढ़ जाना, तीसरा अमेरिका की करेंसी का इंटरनेशनल करेंसी बनना और चौथा दुनिया भर के महान लोगों का अमेरिका में सेटल होना। इन्हीं सब चीज़ों से अमेरिका दुनिया का इतना पावरफुल देश है और पूरी दुनिया पर अपना रोब जमाता है। लेकिन अमेरिका इस बात को भूल रहा है कि अमेरिका में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उसमें से बहुत सारे लोग दूसरे देश से आए हुए लोग हैं, और जिस दिन इन लोगों को अपने देश की मिट्टी प्यारी हो गई उस दिन ये सब अपने अपने कंट्री वापस चले जाएंगे और अपने कंट्री को डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे अमेरिका को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और अमेरिका आज के मुकाबले दुनिया का इतना ज़्यादा शक्तिशाली देश नहीं रह पाएगा। तो गाइस, कमेंट करके इस टॉपिक पर अपना पर्सनल ओपिनियन ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट को पढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ों को जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।